तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मैं जा रहा हूं, मेरी लाइफ मेरा इंतजार कर रही है। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने लाइफ को कितना जिया है, पर इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आप खुश कितने थे। ये अपना इंडिया है, एक अजीब सी खुशी होती मुझे ऐसी जगहों पे, और ऐसे लगता है कि आई जस्ट वांट टू ट्रैवल मोर। फिर वो कहते हैं ना कि लिव इन द मोमेंट, वेल दिस इज व्हाट ट्रैवल मींस टू मी। आई गेट एक्साइटेड, आई गेट इमोशनल, आई फील एवरीथिंग। क्या फर्क पड़ता है कितने दोस्त हों, बात तो तब बनती है जब दोस्ती सच्ची हो। शायद कुछ लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि शहरों के शोर से दूर इन वादियों में होने की फीलिंग क्या होती है। बीता हुआ कल और आने वाला कल इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। तुम जैसे हो अच्छे हो, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, तुम्हें तो कुदरत ने बनाया है, तो तुम वैसे ही रहना, क्योंकि तुम जैसे हो अच्छे हो। तुमने अक्सर ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार जिंदगी में सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। वेल, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। सिर्फ सुकून चाहिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। चाहे जो भी होना, बस मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से लाइफ जो है ना वो और खूबसूरत हो जाती है। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, इसी सोच में कहीं आज क्या हो सकता है ये ना निकल जाए। पता है आज वो दिन है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां खुला आसमां है, और मुझे पता है कि लाइफ में करना क्या है। जब खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो ना, तो बुरा मत मानना यार, क्योंकि उस टाइम आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होगा। जब हम खुद को ढूंढ लेते हैं तो अक्सर लोगों को खो देते हैं, पर तुम बस चलते रहना, क्योंकि खुद को ढूंढना लोगों को खुश करने से ज्यादा कीमती है। अगर नीयत अच्छी होना तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता।
कहा था ना तुमसे कि मैं आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए जिंदगी में आखिर में सब ठीक हो जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आखिर में अपनों की याद तो आती ही है। अब थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। So guys, if you really like this type of video, then do let me know in the comments below and hit the like button as well, so that it'll be good for the algorithm. Also, I wanted to share one more thing with you. Like when I started posting these type of videos on Instagram, I had around 70,000 followers, and now it's more than 1.1 million followers because of these cinematic voiceover reels. Think about it, कि आपका अकाउंट कितना ग्रो हो सकता है इफ़ यू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई हैव क्रिएटेड वन डेडिकेटेड वॉइस ओवर सिनेमैटिक कोर्स विच आई थिंक विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। लाइक इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टार्ट आउट टूडे, यूट्यूब इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, यू नीड टू क्रिएट 10-minute वीडियो, एंड दैट्स वाई आई थॉट ओके सबसे पहले मैं ये वाला कोर्स क्रिएट करता हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टीच एंड आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू आउट एज वेल। एट द सेम टाइम ये कोर्स बनाते वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ये सीखना टू मेक वीडियोज एंड ही डजेंट नो एनी थिंग अबाउट इट, सो उसके लिए कैसे हेल्प होगा ये। तो मैंने इसमें सब बेसिक चीज़ें भी इंक्लूड की हैं कि लाइक कौन सा कैमरा आपको ख़रीदना चाहिए, कैसे शूट करना चाहिए आपको, कैसे एडिट करना चाहिए आपको, क्या म्यूज़िक चूज़ करना चाहिए, अपने स्क्रिप्ट कैसे लिखनी चाहिए, वॉइस ओवर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। और उसके साथ कंबाइन करके म्यूज़िक कैसे लगाना है, कलर ग्रेडिंग किस टाइप की करनी है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। और कई लोग अगर सोच रहे होंगे कि यूट्यूब का कोर्स क्यों नहीं बनाया अभी तक, तो मैंने यूट्यूब का कोर्स अभी तक इसलिए नहीं बनाया, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं उस कोर्स से स्टार्ट करता हूँ जिससे एक्चुअली में लोग जल्दी सीख पाएंगे और जल्दी ग्रो भी कर पाएंगे। बिकॉज आप खुद सोचो कि 20-30 seconds का वीडियो बनाना कंपेरेटिवली ईजी है या फिर एक 10-minute का वीडियो, और आप सोचो 20-30 seconds का वीडियो जब आप बनाओगे, विच आई थिंक विल टेक जस्ट 1 day, और अगर वो अच्छा बनता है और इंस्टाग्राम पे अगर आप अपलोड करते हो और इंस्टाग्राम को भी दिखता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, सो दिस वीडियो कैन गो वायरल। सो ऐसे आपको बूस्ट भी मिलेगा, एट द सेम टाइम इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेंगे। यूट्यूब पे रिवॉर्ड मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, इंस्टाग्राम पे अभी ईजी है बिकॉज ऑफ द रील्स। सो ये सब सोच के मैंने सोचा कि अगर आपको फ़ायदा होगा फिर आप ग्रो करोगे, इंस्टाग्राम पे ग्रो करोगे एट द सेम टाइम, देन यू विल ट्राई ओके छोटी छोटी चीज़ों के साथ सीख सीख के आप बड़ी चीज़ बना सकते हो। मतलब आपको अगर 20-30 seconds का वीडियो बनाना आ गया, then it'll be easy for you to make this longer format videos for the travel videos. Also, I will be creating a course for YouTube, dedicated course for the advanced, like advanced learning and for the basic, and a lot of courses I will be creating. But for now, I think this is the best you can start off with. So go to the link in the description. You will get the maximum discount right now with this course. And yeah, hopefully I will see you in the course. Like I'm building a community of all of the creators who want to start out with this kind of format. So yeah, I'll see you in the course. Till then, take care. Bye-bye. Dhanyavaad. Oh, wait. Jaane se pehle ek aur baat. I am taking you guys to Indonesia. ये मेरा लाइफ का पहला ग्रुप ट्रिप होने वाला है आप लोगों के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ। मैंने इससे पहले कभी प्लान नहीं किया। तो जो लोग कोर्स के साथ साथ, जिन्होंने कोर्स लिया है कोर्स से सीख लेंगे, बट जो लोग एक्चुअली में देखना चाहते हैं कि शूट कैसे करते हैं, मेरे साथ वर्कशॉप लेना चाहते हैं, एक हफ्ते की ट्रिप लेना चाहते हैं, साथ में हम साथ में घूमेंगे एक हफ्ते के लिए, हम शूट करेंगे, यूट्यूब वीडियो बनाएंगे, उसमें मेरी यूट्यूब वीडियो में आप भी होने वाले हो, और आप एट द सेम टाइम यू विल लर्न ऑल्सो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस ऑन द ट्रिप, एंड देर विल बी फ्यू एडिटिंग सेशंस ऑल्सो ऑन दिस ग्रुप ट्रिप। एक हफ्ते की हम ट्रिप लेंगे इंडोनेशिया में, हम हर दिन अलग अलग लोकेशंस पे भी जाएंगे, घूमेंगे साथ में। बेसिकली जितने भी लोग सोचते हैं कि यार मुझे अंकित भाई के साथ घूमना है, कभी नहीं किया, उनके साथ सीखना है, एक्चुअली में ट्रैवल करना है, तो दिस इज़ योर चांस। मुझे नहीं पता इसके बाद मैं दोबारा कब करूँगा। तो अभी जो एक ग्रुप ट्रिप का लिंक है वो भी मैं इस वीडियो में, सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और अपनी ट्रिप बुक करो। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू गाइज इन द इंडोनेशिया। बहुत फन होने वाला है और
मैं एक बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जब उस ट्रिप से वापस आओगे, यू विल बी ए ग्रोन मैन. आप इतना कुछ सीख के आओगे ना जितना कुछ आप पूरे साल में नहीं सीख सकते. बिकॉज आप सोचो कि जितना भी मैंने सीखा है पिछले इतने सालों में, उस सब का एक कंबाइन चीज़ आप उस टाइम पे सीख सकते हो. मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग बिजनेस ऑल्सो. सो आपको काफ़ी हेल्प भी होगी एक साथ ट्रैवल करते करते. तो आई विल सी यू देयर. बाय बाय. फाइनल बाय बाय.